हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.8। ये चैप्टर 5 का लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसे हम लोग देखेंगे। और ये डिपेंड है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पर। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रोले का थ्योरम देखते हैं। रोल थ्योरम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी रियल नंबर पर, ठीक, तो ये है ना, और ये कंटिन्यूअस है, एट ये कंटिन्यूअस है किस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड डिफ्रेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी पर। And also FA is equal to FB, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो रोल थ्योरम कहता है कि देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी फॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो ये बोलता है, ठीक, तो ये और ये इन बिटवीन क्या होगा, इन बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक, ए और बी के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, है ना, सी, जो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यानी जिसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पर। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये ग्राफ है, ठीक, तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। यहां पे हमको देखना है कि कोई पॉइंट ये ए है, ये बी है, तो यहां पे देखिए इस ए और ये इस बी पर, यहां कर दीजिए इस ए और इस बी पर, ये हो जाएगा ए और ये एफ ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एफ बी हो जाएगा, ठीक, और ये चूंकि एक ही लाइन पर है इसलिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। ये वाई की वैल्यू होती है ना, एफ ए एफ बी वाई की वैल्यू होती है, ठीक, तो ये वाई की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू जो है दोनों पॉइंट पर, हर पॉइंट पर यहाँ पे बराबर होगी। तो ये क्या है, ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया। अब देखिए चूंकि ये बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है इसलिए कंटिन्यूअस भी हो गया, और डिफ्रेंशिएबल का मतलब होता है कि कहीं पर भी टेंजेंट खींचा जा सके, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है एक्सेप्ट ए एंड बी, इसीलिए यहां पर यह बोल रहा है कि क्या ओपन इंटरवल ए बी, ठीक, डिफ्रेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींचा जाता है, ठीक, माने किस पर, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे टेंजेंट नहीं, यानी कि एंड पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, ठीक, इसलिए। तो
ये क्या हुआ, तो ये हमारा हुआ। तो अब इसके लिए ये ग्राफ से ये समझ में हमको आ रहा है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिसका कि डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक, इसमें कि डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर वैल्यू जो होगी वो टेंजेंट की वैल्यू जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वो पॉइंट हो सकता है, ठीक। ऐसे ही ये ग्राफ इस पर ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक। तो और एक ग्राफ तो ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये रोल्स थ्योरम ने बताया। और मीन वैल्यू थ्योरम में मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसी का एक्सटेंशन है, यानी किसी को बढ़ा दिया गया है। अब इसमें बता, देखिए यहाँ पे तो कंडीशन है कि अगर डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल यानी कंटिन्यूअस भी हो डिफरेंशिएबल भी हो, तब हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू b, तो c की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन अगर a इज इक्वल टू b ना हो तब भी तो कोई बात रही होगी, अगर f a और f b ना हो, तो खैर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ना हो तब क्या करेंगे हम, तो उसके लिए उसने बताया कि पहले आप चेक कर लीजिए तीन कंडीशंस इसकी होनी चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट था कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकेंड था डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए, और थर्ड था एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पे भी यही है कि कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी, दूसरा डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड नंबर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तब कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है कि तब यहां पे जरूर कुछ पॉइंट ऐसा होगा सी जिसके लिए कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए रहेगा, ठीक। तो आगे हम लोग एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, तो इसलिए वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 8 है ना, और x इज इन बिटवीन क्लोज ब्रैकेट माइनस 4 एंड 2, ठीक। तो माइनस 4 से 2 के बीच में कहीं देखना होगा। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, रोल्स थ्योरम में बोला जाता है कि एट फर्स्ट हमको चेक करना होता है कि क्या ये कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट में। तो आइए देखते हैं, being given function is a polynomial function, it is continuous at close bracket minus 4 to 2 and continuous होगा differentiable
एट क्या ओपन ब्रैकेट माइनस फोर ठीक। अब ये दो तो ऐसे ही, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक और कंडीशन, इसकी दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तीसरा कंडीशन बोलता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है कि नहीं। तो एफ ए यानी कि एफ माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस फोर, यानी कि एक्स की जगह पर माइनस फोर रख देंगे माइनस एट, ये क्या हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन और माइनस एट, माइनस फोर और टू में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एट हो जाएगा, ये माइनस एट इट इज इक्वल टू जीरो ठीक। अच्छा एफ टू पर देखते हैं, क्योंकि टू है अब यहाँ पे वो बी है, वो एफ ए हो, ये इधर वाला ए हो गया उधर वाला बी हो गया, तो टू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है ना प्लस टू इंटू टू माइनस एट इज इक्वल टू 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 जा फोर प्लस टू टू जा फोर माइनस एट, फोर फोर एट माइनस एट जीरो। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी, एफ माइनस फोर इज इक्वल टू एफ टू, ये भी रोल्स थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो कंडीशन ऑफ ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम। तो एफ डैश एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस टू, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x प्लस टू हो जाएगा। तो बोल रहा है रोल्स थ्योरम कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तीनों कंडीशन तो देयर एग्जिस्ट सम सी बिटवीन ए एंड बी, ओपन इंटरवल ए एंड बी यानी कि माइनस फोर और टू के बीच में कहीं कोई सी होगा जहां कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी क्या हो जाएगा टू एक्स अकॉर्डिंग। तो रॉल थ्योरम तो एफ डैश सी, तो जहां जहां एक्स वहां वहां सी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट टू सी इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू यानी कि माइनस वन। तो क्या है अब देख लेना है कि वन क्या बीच में है माइनस फोर और टू के, तो माइनस फोर और टू के तो बीच में वन है, तो सी लाइज बिटवीन ए एंड माइनस फोर एंड टू, माइनस फोर एंड टू रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, हमने रोल्स थ्योरम को वेरीफाइड कर दिया, यानी हमने एक्चुअली क्या क्या सी की वैल्यू निकाली और देखा कि क्या माइनस फोर और टू के बीच में है कि नहीं, और है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन समझ में आएगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
यहाँ पे बोल रहा है एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल, फर्स्ट दिस मच, सेकेंड दिस मच एंड थर्ड दिस मच। इन सब को सॉल्व करने से पहले हमको पहले समझना होगा कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम होता क्या है। तो रोल्स थ्योरम का कन्वर्स होता है कि एक कंडीशन, इसकी भी कंडीशन है, पहला तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए एट क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक। दूसरा ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन इंटरवल ए बी, और तीसरा एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया फॉर सम पॉइंट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तब कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम बोलता है कि डेफिनेटली कोई ये जो है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा ही होगा, यही कन्वर्स है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको बताना जरूरी था। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, ना ही डिफरेंशिएबल होता है। खैर हमने पढ़ा हुआ है, आइए हम लोग देख लेते हैं, किसी एक पॉइंट पर देख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। एक्स इज इक्वल टू फाइव पर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस एच का लेफ्ट, ये फाइव का लेफ्ट कर देते हैं, फाइव का लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, फाइव माइनस एच समथिंग, ठीक। तो यहाँ पे एफ फाइव लिख देते हैं, एफ फाइव, ठीक, एफ फाइव इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइव माइनस एच। तो अब लिमिट एच अप्रोचेस जीरो का लेफ्ट, यहाँ पे देखिए फाइव माइनस एच इज इक्वल टू क्या देगा, यहाँ पे देगा देखिए एच का लेफ्ट, एच जो है लेफ्ट में है तो इसलिए माइनस करेगा, लेफ्ट में इसलिए माइनस होगा, फाइव के लेफ्ट में इसलिए माइनस करेगा, माइनस करेगा। तो अब ये क्या है, ये जो है जीरो से कम है, तो अगर नंबर लाइन पर जीरो से कम होगा तो यहाँ पे जो भी होगा माइनस में होगा, जैसे माइनस नाइन नाइन जीरो जीरो नाइन ऐसे करिए कुछ भी, तो ये कम हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में बोलता है कि अपने बिल्कुल पास वाला छोटा इंटीजर लिया जाता है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे कुछ भी माइनस करेंगे तो हो सकता है ये 4.9999 ऐसे कुछ आएगा, ये आएगा, लेकिन हो तो क्या जाएगा, ये 4 हो जाएगा। वैसे ही हम देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 5 का राइट एफ ऑफ 5, ये क्या हो जाएगा आर एच एल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एच ग्रेटर इंटीजर। अब क्या जाए लिमिट एच अप्रोचेस जीरो का जीरो, एच अप्रोचेस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अप्रोच करता है जीरो के आसपास, बिल्कुल करता है अप्रोच करता है जीरो के, तो यहाँ पे फाइव में कुछ जुड़ेगा, फाइव में जब कुछ जुड़ेगा, यह सॉरी यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो फाइव में जब कुछ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5.9999, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा अगर भी जुड़ा
तो ये इस तरीके से होगा, 0.00001 जुड़ेंगे तब भी 5.9999 आएगा, तो ये क्या दे देगा, 5 दे देगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, एंड फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल, तो यहां पे देखिए हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो है इसकी कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, यही नहीं, इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम हैंस रोल्स थ्योरम, एक मिनट, फोन आ गया था, हैंस रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल हियर, एप्लीकेबल हियर। अब हम क्या कह सकते हैं, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम क्योंकि सिंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 5, 9, हेंस कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पहले ही कंडीशन है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो ना तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ना ही उसका कन्वर्स एप्लीकेबल होगा। तो ये हमने बता दिया फर्स्ट, सेकंड आपको खुद करना होगा, ठीक, क्योंकि एक जैसा है, तो सेकंड आप खुद कर लीजिए। हम लोग देखते हैं थर्ड, थर्ड फर्स्ट हमने बता दिया, सेकंड आपको उसी तरीके से कर लेना है, थर्ड देखिए यहां पे, सिंस गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, अच्छा ये मिटाया कहीं हमने, पॉलिनोमियल फंक्शन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1, 2 एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1, 2, 3, ठीक।
अब हमको एक और देख लेना है, ये दो तो हो गया, लेकिन रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि एक और देखना होता है, वो क्या देखना होता है, वो देखना होता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है कि नहीं। तो एफ ए यानी कि एफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन जीरो, एफ टू टू का स्क्वायर माइनस वन, टू टू या फोर, फोर माइनस वन थ्री। तो एफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ टू लिखेंगे, सिंस गिवन फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल हियर। ये तो बात हुई रोल्स थ्योरम की। अब कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम में बोलता है कि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तीन। फर्स्ट तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस है। डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए, तो डिफ्रेंशिएबल है। और थर्ड एफ डैश सी जो है, यानी कि सी पर उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, है ना, एफ डैश सी जीरो हो रहा है कि नहीं। तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे टू एक्स आएगा, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, सिंस एफ डैश सी इज इक्वल टू इतना, हैंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इतना, हैंस एफ डैश सी इज इक्वल टू टू सी। ये हो जाएगा क्योंकि टू हो जाएगा ना, टू एक्स माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, तो ये टू एक्स हो गया। तो यहाँ पे एफ डैश सी टू सी हो गया। तो बोल रहा है कि टू सी होना चाहिए जीरो, तो सी इज इक्वल टू क्या, जीरो अपॉन टू यानी कि जीरो। अब ये जीरो हो गया। तो अगर ये एफ डैश सी जीरो है तो जरूर निश्चित ही क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए एफ वन इज इक्वल टू एफ ए, तो हम जीरो लाए थे, यहाँ पे जीरो आ गया था। एफ टू हमारा क्या आया था, थ्री आया था, थ्री। तो एफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ टू। तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर। हम कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर टू। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें या स्क्रीन शॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है इफ फंक्शन है और ये क्लोज इंटरवल माइनस फाइव टू फाइव रियल नंबर से बिलोंग करता है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ फाइव। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो पहला, गिवन फंक्शन एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो दूसरा इफ एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल
हैंस इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अब तीसरा बोल रहा है कि एफ डैश एक्स वैनिश नहीं हो रहा है, डज नॉट वैनिश यानी कि इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं हो रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक। अब टू प्रूव एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ फाइव इफ पॉसिबल, लेट एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ फाइव। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करते हैं, जो प्रूव करना है उसका उल्टा है ना, हम लेट करते हैं, ठीक। तो अगर देखिए यहाँ पे गिवन फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफ्रेंशिएबल भी हो गया, और हमने मान लिया कि ये इक्वल भी है, एफ ए और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये भी है। तो क्या होना चाहिए, इफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड, तो सारा कंडीशन ये वो हो गया, सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे रोल थ्योरम एप्लीकेबल है, तो फ्रॉम रोल थ्योरम एफ डैश सी एफ डैश एक्स इज नॉट एफ डैश सी, यहाँ पे हम कर देते हैं ना, एफ डैश सी इज नॉट क्या एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। यहाँ पे हमने एफ डैश सी इसलिए किया कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, ठीक है, तो एफ डैश सी भी वैनिश नहीं होगा, तो यानी कि जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे एफ डैश सी हमने किया और ये फर्स्ट कर दिया, और ये यहाँ पे हमारा होता है सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाता है सेकेंड हो जाता है, ठीक। तो अब क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम बोल रहे हैं कि सेकेंड कॉन्ट्राडिक्ट्स फर्स्ट, हमारी जो दूसरी बात है वो पहली बात का विरोध कर रही है, ठीक। तो हेंस आवर एजम्पशन दैट एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ फाइव इज रॉन्ग, एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ फाइव प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, हमारे पास दिया हुआ कि ये डिफ्रेंशिएबल है, हमारे पास ये भी अगर डिफ्रेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो अगर ऐसा होगा और फिर ये भी दिया हुआ है कि एफ डैश सी यानी एफ डैश एक्स इज डज नॉट वैनिश एनी वेयर, तो एफ डैश सी भी वैनिश नहीं होगा कहीं पर भी जीरो के इक्वल नहीं होगा ये, तो ये हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम कंट्राडिक्शन मेथड से हम मान लेते हैं कि एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू एफ फाइव मान लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं तो इस पर रोल थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ये ऐसा होगा तो, क्योंकि डिफ्रेंशिएबल है ही, कॉन्टिन्यूस है ही, और ये तो रोल थ्योरम एप्लीकेबल हो गया। तो फ्रॉम रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। लेकिन हमारा टू जो है इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बोल रहा है इक्वल टू जीरो, तो हमारा ये कंट्राडिक्ट कर रहा है सेकेंड फर्स्ट को। तो हमारा इंजम्पशन कि एफ माइनस फाइव इक्वल है एफ फाइव के वो रॉन्ग था, गलत था, इसलिए एफ माइनस फाइव इक्वल नहीं होगा एफ फाइव के, हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं। तो खैर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे हम लोग चलते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x-3 इन द इंटरवल ए बी। ये क्लोज इंटरवल है वेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमको देखना होता है कि दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा तभी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाइड होगा। तो पहले देख रहे थे, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल थ्योरम हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफ्रेंसिएबल। एट एवरीवेयर तब जब हो जाएगा तब। ये तो यहाँ पे एप्लीकेबल है मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसके लिए हमको एफ ए और एफ बी भी निकालना होगा। तो एफ ए यानी कि एफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 − 3। 1 का स्क्वायर 1, 4 × 3 = 7 यानी कि −6। एफ बी यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 − 3। यही तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 16 − 16 खत्म हो गया तो −3। ये हमको f डैश x भी पता करना होगा, तो 2x − 4 हो जाएगा। यानी कि f डैश c इज इक्वल टू क्या, एक्चुअली हमको f डैश c पता करना था, 2c − 4। अब हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं फ्रॉम MVT। मीन वैल्यू थ्योरम क्या करता है, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या, एफ बी यानी कि ये माइनस ये, तो −3 − −+6 अपॉन 4 − 3 हो जाएगा, तो 3/3। तो ये इस तरीके से होगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एफ डैस सी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि एफ डैस सी यानी एफ डैस सी हमारे पास क्या है, 2c − 4 = 1। दिस इम्प्लाइज दैट 2c = 4 एंड दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू क्या, 2। C इज इक्वल टू 2। अच्छा, 1 और 4 के बीच में 2 है, तो C इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी यानी कि 1 और 4। ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। बात यह है कि मीन वैल्यू थ्योरम में बोलता है कि अगर ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो, तो एफ डस सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, यानी कि एक पॉइंट सी होगा इनके बीच में, ए और बी के बीच में कहीं, जिसके लिए कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा।
तो ये टू इन दोनों के बीच में है सी, इससे हमने निकाला और ये बीच में है ही, लाइक कर रहा है, तो मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल टू दिस मच एंड बी इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3 फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम पहले मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको पता है कि पहले तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस और डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए। तो लिखते हैं सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफ्रेंशिएबल। एनीवेयर यानी किसी भी जगह, हर जगह ये डिफ्रेंशिएबल है। तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ए, एफ ए चाहिए, ए की वैल्यू 1 है, तो 1³ माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या, 1 का क्यूब 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 यानी कि माइनस 7, माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8, 1 में से करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। एफ बी, बी क्या है, 3 है, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू सॉरी माइनस 3 इंटू 3, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 3, क्योंकि एफ बी हमको निकालना है। ठीक है, F1 लिख दो ना डायरेक्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं F1 और F3, B और वो क्या होता है। ठीक, तो F3 हमारे पास ये 3 3 9 3 27, ये 27 हो गया, ये 3 3 9 9 5 45 और 9 54, तो माइनस का 54, 27 में से 54 माइनस हो गया तो माइनस 27 ये हो जाएगा। अच्छा, और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एफ डैस सी का यानी कि एफ डैस एक्स, एफ डैस एक्स इज इक्वल टू क्या, 3x² माइनस 10x, 5 × 2 = 10 एक्स माइनस 3 ये हो जाएगा। तो एफ डैस, अच्छा ये एफ डैस एक्स है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैस सी भी निकाल ही लेते हैं। एफ डैस सी इज इक्वल टू 3c² माइनस 10c माइनस 3, ये इतना हो गया फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे तो अप्लाइड है, ये कंडीशन पूरा कर रहा है कि कंटिन्यूस भी और डिफ्रेंशिएबल भी है। फ्रॉम एम वी टी क्या, देयर एग्जिस्ट एफ डैस सी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन 1 एंड 3 फॉर विच एफ डैस सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैस सी इज इक्वल टू क्या, एफ बी कितना है, एफ बी यानी कि एफ थ्री माइनस 27 माइनस ये और ये माइनस 7, माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 2 यानी कि माइनस 10। तो एफ डैस सी इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक, अब क्या, अब एफ डैस सी, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैस सी कितना है हमारे पास,
थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टेन। दिस इंप्लाइज दैट इधर चलाएगा ये तो सॉरी थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस टेन तो माइनस थ्री प्लस टेन यानी कि सेवन प्लस का सेवन इज इक्वल टू जीरो। ठीक सेवन थ्री या ट्वेंटी वन तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ट्वेंटी वन तो क्या हो जाएगा थ्री सी स्क्वायर माइनस सेवन सी माइनस थ्री सी प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए यहाँ से केवल c कॉमन ले सकते हैं तो 3c माइनस सेवन यहाँ से माइनस और ये x कहाँ से चलेगा c होगा ना ये c होगा यहाँ से माइनस वन कॉमन ले सकते हैं तो 3c माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो क्या जाएगा 3c माइनस सेवन एंड c माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री और वन। अगर 3c माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो होगा तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस सेवन अपॉन थ्री। अगर c माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि ये सेवन अपॉन थ्री या वन इनके बीच में होना चाहिए ना ओपन इंटरवल के तो ये वन तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा ओपन इंटरवल में तो ये इनके बीच में क्या होता है तो ये नहीं होगा। तो c इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल वन थ्री। ठीक तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इतना फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम भी प्रूव हो गया क्योंकि ये तो बीच में है तो ये दोनों काम हमने कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर टू की तरह है तो ये खुद करें क्वेश्चन नंबर सिक्स को खुद करने की कोशिश करें क्योंकि मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस उसको आपको खुद करना होगा। तो हम बस यहीं तक क्वेश्चन नंबर फाइव तक आपको बताते हैं और अगला चैप्टर सिक्स चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में चालू करेंगे। तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।